आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंजन। जो ट्रेन का इंजन होता है ना, जो उसके आगे का फर्स्ट जो उसका बॉक्स होता है इंजन, वो आज हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलें स्टेप बाय स्टेप हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइट सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर तकरीबन इतना कर लें, यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। लाइन ड्रॉ हो गई, इधर से इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल शेप का एक और बॉक्स बना दिया। ये तकरीबन डिफरेंट शेप्स ही हैं जो कंबाइन होकर आपको एक इंजन बनाएंगे, ठीक है। आपका इंजन ये देखें, ठीक है। फिर उसके बाद एक ब्लॉक हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो होती है ना विंडो सी, वो विंडो बनानी है, तो ऐसे ठीक है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर भी ऐसे करके कि ऐसे कर देते, ठीक हो गया। यहाँ से हमने यहाँ पर एक कर्व सी लाइन भी ड्रॉ कर दी, थोड़ा सा ऐसे, ठीक हो गया। फिर हमने यहाँ पर वो जो नहीं होता, जो वहाँ से स्मोक निकलता है, धुआं, वो हमने बनाना है। अब हमने यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये स्मोक निकल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा नीचे करके एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन हमने इसलिए ड्रॉ करनी है बेटा कि हमने जो इस इंजन के व्हील्स बनाने हैं ना, तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि व्हील्स जो नीचे वाली साइड से ना, वो व्हील्स इक्वल हो। ये ना हो एक ऊपर हो एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। बेटे एक गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं वो एक साथ जो नीचे ज़मीन है उसको टच कर रहे होते हैं ना, इसलिए हमने ये लाइन ड्रॉ की है। और अब हमने एक यहाँ पर सर्कल बनाना है, आप ये सर्कल किसी गोल चीज़ से भी बना सकते हैं। और
कंपास से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बड़ा वाला व्हील। अब इसके आगे दो छोटे व्हील्स होंगे। ठीक है, ठीक है, और एक यहां पर बना लेते हैं। ऐसे, ठीक है, ऐसे ही हमने तो इसके छोटे व्हील्स हो गए और एक बड़ा व्हील हो गया। ठीक है, अब हमने व्हील्स के अंदर से जो लाइन है ना एक्स्ट्रा, वो रेज कर दी। और यहाँ से हम एक ऐसे ट्राइंगल सा बना लेंगे जो ट्रेन के आगे ऐसे सा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि जो व्हील्स है ना बीच में भी एक एक सेंटर यूं करके सर्कल बना देना है सेंटर में। ठीक हो गया। अब हमने ये बनाने के बाद इस पे आउटलाइन करनी है ब्लैक पॉइंटर से। ठीक है, चलें अब हम इसकी पॉइंटर से आउटलाइन करते हैं। और जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो हमने स्केल यूज़ करके आउटलाइन करनी है, और जो कर्व लाइंस हैं वो तो फ्री हैंड होंगी। चलें इसकी आउटलाइन करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, इसकी हमने आउटलाइन भी कर ली और फिर इसकी कलरिंग भी कर ली। तो आपने इस तरह अच्छे से इसको कलर कर लेना है और इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।